हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, इस वीडियो के अंदर हम काफ को अलिफ लगाना सीखेंगे। इसके पहले हमने फे और फिर काफ देख चुके हैं। अब हम जो काफ देखने वाले हैं, ये दो नुक्ते वाला काफ था, इसको काफ कैची का कहते हैं। अब हम जो काफ देखने वाले हैं, उसकी शक्ल और गाप की शक्ल एक जैसी है, तो हम दोनों को लगा कर देखेंगे कि कैसे इनके अंदर हम दूसरे हर्फ मिला सकते हैं। तो सबसे पहले काप, यहाँ पर देखिए काप की शक्ल ये है, ठीक है, और गाप की शक्ल भी सेम ऐसी ही है। यानी काप जैसे मिलेगा सब में, गाप भी वैसे ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबके साथ हम अलिफ लगा कर देखते हैं। गाप की और काप की आधी शक्ल इस तरीके से होती है, कहीं पर ये गोल हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं अब सबके साथ में लगाकर। तो पहले मैं काप के साथ में अलिफ लगाता हूँ, तो काप अब इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये काप, इसमें ये अलिफ लगा दी हमने, इसमें लकीर खींच दिए, काप अलिफ का। अब काप और बे, तो ये आधा काप और ये बे से मिल गया कब। अब ये बे की शक्ल जैसी सेम है, वो इसी तरीके से उसमें जुड़ेंगे, चाहे वो पे हो, पे भी इसी तरीके से इसमें काप लगेगा, ठीक है। उसके बाद ते भी सेम रहेगा, कत, कट, कट और ये कस, तीन नुक्ते बीच में कस। देखिए पांचों की शक्ल एक जैसी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जीभ में कैसे ये मिलेगा। देखिए यहां पर इस तरीके से, कज, कच्च और काप में मिला है कह और फिर है कख। चारों की शक्लें एक जैसी है। बाद में है दाल, डाल और जाल, तो ये काप और ये इसमें डाल, पहले दाल आएगा, कद, कड और फिर कज, दाल, डाल और जाल। अब रे की शक्ल इसमें कैसी आएंगी, तो काप, रे, रे ऐसे जाता है नीचे, तो ये हो गया कर, कड़, कज और फिर है कज, तीन नुक्ते यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये काप और उसमें मिला शीन, कस, फिर शीन भी सेम ही रहेगा काप, तीन नुक्ते कश, काप और फिर यहां पर ये स्वाद, कस, जुवाद भी सेम रहेगा कज, ठीक है। अब इसमें हम तोए और जोए मिलाएंगे, तो काप और ये देखिए इसमें मिल गया कत, कज, काफ और एन, तो देखिए अब एन इस तरीके से मिलेगा इसमें, ये अलिफ इसमें आ जाएगा का,
और कग कग अगला है कफ, फे मिल गया कफ, और ये काफ, और उसमें दो नुक्ते वाला काफ, कक, और ये काफ के अंदर मिला हुआ है कक, काफ के अंदर काफ मिला हुआ है, तो हो गया कक। सेम ऐसे ही रहेगा कग, ये काफ और ये डबल गाफ, कग। अब देखिए यहां पर इस तरीके से बनेगा काव, कल, ठीक है। उसके बाद कम, ये काफ है ऊपर का, और उसमें हम ये इस यहां पर मीम मिला देंगे कम। अगला है कन, काफ और नून, कन। काफ और उसमें मिला वाव, काव, और ये काफ के अंदर अब हम हे लगाएंगे, तो हे देखिए यहां पर इस तरीके से आएगा, ये काफ है और उसमें ये जो झटका यहां पर दिए हुए हमने, ये हे है, ठीक है। हे वैसा सादा ऐसे लिखा हुआ होता है, लेकिन यहां पर मिला है तो इस तरीके से रहेगा। इसको पढ़ा जाएगा के है, यानी इसमें थोड़ा झटका लगेगा, और दो चश्मी है इसमें काफ में, यानी ये काफ, और उसमें इस तरीके से दो चश्मी है लगेगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये ख हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में छोटी ये इसे मिलेंगी, तो काफ के अंदर इस तरीके से देखिए इसको की पढ़ा जाएगा, और बड़ी ये जब मिलेंगी काफ में तो इस तरीके से के। तो ये इस तरीके से काव के अंदर दूसरे हरूफ मिलेंगे। जो गाव है, गाव, ये भी सेम इसी तरीके से है, बस ये एक लकीर की जगह दो हो जाएगा, तो ये काव का गाव हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इससे आप छोटे छोटे हरूफ बनाना शुरू कीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर काव अलिफ, काफ अलिफ, तो मैं डबल इसको जब लिखता हूँ तो ये हो जाता है का। अगर मेरे को लिखना है के का, और ये नून और अलिफ हमने मिलाया काना। उसके बाद तो ऐसे वर्ड आप अब बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम काफ और गाफ तो हमने देख लिया है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लाम के साथ में, और लाम की शक्ल ये है, तो लाम के साथ में किस तरीके से सारे हुर्फ मिलाए जाएंगे। ये हुर्फ मिलाने का तकरीबन तकरीबन बस दो या तीन चार हुरूफ बचे हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम वर्ड्स बनाना सीखेंगे इससे, दो हरफी वर्ड, तीन हरफी वर्ड, अल्फाज उर्दू के। इससे आपको पढ़ने में भी और लिखने में भी आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।